और एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सोनिया गांधी के घर पर सीईसी की बैठक, कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की यह बैठक। विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट आने वाली है, हालांकि फैसला नहीं हो पा रहा है। चार बार बैठक हो रही है, चौथी बार ये। टिकट बंटवारे से पहले सोनिया के घर नेता और समर्थक जुटे हैं। कृष्णा तीरथ के खिलाफ अनाम सिंह के समर्थकों का हंगामा हुआ है, तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लिस्ट का इंतजार अब भी जारी, टिकट के लिए मारामारी इस बीच होने लगी है और सीईसी की चौथी मीटिंग हो रही है पहली लिस्ट आने से पहले। पटेल नगर से कृष्णा तीरथ की दावेदारी के खिलाफ ये नारेबाजी हो रही है, आप सुन सकते हैं किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं कांग्रेस के लोग। रवि सिसोदिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस की पहली लिस्ट, इंतजार लंबा होता हुआ, ये सीईसी की चौथी बैठक हो रही है, आखिर कोई फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा और इस बीच समर्थक और नेताओं की नाराजगी बढ़ती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको अपडेट कर दूं कि जो बैठक चल रही थी वो बैठक खत्म हो गई है। हालांकि इस बैठक के बाद जब सुभाष चोपड़ा निकले थे, उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आज कांग्रेस की पहली लिस्ट आ जाएगी। जहां तक दशम पथ के बाहर की बात करें, इस वक्त यहां पर प्रदर्शन चल रहा है, जो लोग हैं समर्थक हैं ये बवाना से लोग हैं, इनका प्रदर्शन चल रहा है, ये चाह रहे हैं कि इनके समर्थकों को टिकट मिले। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इनका लगातार इनकी जो मांग है कि सुरेंद्र कुमार को हटाओ, तो कहने के टिकट को लेकर अभी हालांकि उम्मीदवारों के नाम का चयन नहीं हो पाया। उससे पहले जो उनके समर्थक हैं वो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। बाईं तरफ अगर आपको हमारे विजय दिखा पाएँ तो यहाँ पे करावल नगर को लेकर प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है कि करावल नगर की जो सीट है वो आरजेडी के कोटे में जा रही है और यही वजह है कि वहाँ से जो प्रत्याशी के तौर पर अरविंद सिंह का नाम चल रहा था उनके समर्थक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ तक उम्मीदवारों की बात करें, उम्मीदवारों को लेकर माना जा रहा है कि आज देर शाम तक पहली लिस्ट आ सकती है, लेकिन करीब 7 से 8 ऐसी सीट थे जिसको लेकर पेंच अभी भी फंसा हुआ है। ओखला की बात करें, ओखला में 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको लेकर पेंच फंसा है कि किसको सीट दी जाए। चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक में भी जेपी अग्रवाल ने अपनी तरफ से दावेदारी की है, अलका लांबा भी अपने वहाँ पर दावेदारी कर रही है। तो ऐसी 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहाँ अभी भी प्रत्याशियों को लेकर पेंच फंसा हुआ था और यही कारण है कि ये चौथी सीसी करनी पड़ी। हालांकि अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी भी स्टेट की इतनी बड़ी सीसी की बैठक, इसीलिए इंतजार जो है लंबा होता जा रहा है। रवि, नजर बना रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।